बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस में कमी है, आत्मविश्वास में कमी है, साहस में कमी है, ऊर्जा में कमी है, इसकी समस्या है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे लाल कपड़े पहन करके या लाल दुपट्टा डाल करके भगवान शिव के सामने बैठिए, गुग्गल की धूप बत्ती जलाइए और बोल बोल कर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने से ऊर्जा पैदा होती है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उत्साह पैदा होता है, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। अगर गा गा करके करें, खड़े होकर के करें, नृत्य के साथ करें तो बहुत अच्छा होगा। और ये प्रयोग नियमित रूप से करते रहें, आपका आत्मविश्वास, आपका साहस, आपकी ऊर्जा का स्तर मजबूती से बना रहेगा। अब अगर मान लिया मंगल आपकी कुंडली में गड़बड़ है, जिस वजह से आप जमीन नहीं खरीद पा रहे, मकान नहीं बनवा पा रहे, या जमीन खरीद भी ली, मकान बनवा भी दिया तो उसमें रह नहीं पा रहे, उसका सुख नहीं मिल पा रहा है, या किसी प्रॉपर्टी को लेकर के किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, अगर इस तरह की संभावनाएं हैं तो क्या उपाय करेंगे? मंगलवार को सवेरे शिव जी के मंदिर जाइए, एक लोटे जल में जरा सा गुड़ मिलाइए और ये जल शिवलिंग पर अर्पित करिए और इसके बाद भगवान शिव से संपत्ति लाभ की प्रार्थना करिए और ये प्रयोग किसी भी मंगलवार को शुरू करके लगातार 9 मंगलवार तक करिए। आपको जल्दी से जल्दी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी मैटर्स में, संपत्ति के मामले में, जमीन जायदाद के मामले में ये उपाय बहुत कारगर होता है। अगर मंगल की वजह से स्वास्थ्य की समस्या हो रही हो, मंगल की वजह से शरीर बीमार रहता हो, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई हो, या कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जिसमें आप लगातार बीमार बने रहते हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे तांबे के लोटे से शिव जी को जल अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद वहीं बैठ करके शिवलिंग के पास या उसके निकट में ओम हौं जूं सः, ओम हौं जूं सः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। थोड़ा सा जल अपने लोटे में बचा लीजिएगा जब शिव जी को चढ़ा रहे हैं और बाद में इसे प्रसाद की तरह ग्रहण करिएगा, आपको जल्दी फायदा होगा। अगर आप कर्ज के चक्कर में हैं, कर्ज आपका उतर नहीं पा रहा, एक उतरता है, दूसरा चढ़ता है, दूसरा उतरता है, तीसरा चढ़ता है, ऐसी स्थितियां हैं तो क्या करेंगे? शिव जी को रोज सवेरे लाल फूल अर्पित करिए शिवलिंग पर, इसके बाद जल की धारा चढ़ाइए, फिर एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करिए। मंत्र होगा ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करें और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मंगल अगर कुंडली में खराब है, जेल जाने की नौबत आ गई है, मुकदमेबाजी की नौबत आ गई है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्या उपाय करेंगे? रोज रात को स्नान करके सफेद कपड़े पहनिए, चंद्रमा की रोशनी में अपनी बालकनी में या छत पर बैठिए और इसके बाद रुद्राष्टक का पाठ करिए। और अगर रुद्राष्टक का पाठ नहीं कर पाते तो शिव 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 कहिए, इससे भी आपको जल्दी फायदा प्राप्त होगा। अगर मंगल की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान शिव को सफेद और मां पार्वती को पीले फूल अर्पित करें, इसके बाद उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं, फिर एक मंत्र पढ़िए ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः 108 बार, या और चाहें तो और पढ़ें। 3 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना अपने गले में लाल धागे में डाल करके जरूर पहन लें। अगर मंगल की वजह से आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो वो दिक्कतें आपको परेशान नहीं करेंगी।
तो बात हम ये कर रहे थे कि मंगल को शांत करने के लिए भगवान शिव की कृपा से कैसे लाभ होगा,